जैसा कि मैंने आप लोगों को पास वीडियो में बताया था कि अंजलि और अंजलि के साथ साथ शिवम शर्मा दोनों ही जीत चुके हैं ये टास्क। जी हाँ, ये जो मैजिक ब्रिक वाला टास्क था, ये जो ब्रिक्स वाला टास्क था, ये दोनों जीत गए हैं और टिकट टू फिनाले के सुप्रीम दावेदार बन चुके हैं। अब दोस्तों एक और बड़ी बात, एक ऐसी इंटरनल बात जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मेरे चैनल टेली खजाना में। मैं हूँ आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। तो भाई अंजलि और मुनव्वरी अंजलि के साथ नाम याद आता है शिवम, दोनों ही इस टास्क को जीत चुके हैं। प्रिंस नरूला के सामने हालांकि बहुत से हाथ गिड़गिड़ाए हैं और साथ ही साथ मुनव्वर ने अपनी तरफ से जी जान कोशिश करी है, पल ने भी जी जान कोशिश करी है, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें नहीं हो पाई हैं। अब दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक अलग आलम है। आलम ये है कि शिवम और साथ ही साथ अंजलि दोनों ही जीत चुके हैं ये पर्टिकुलर टास्क, और इस टास्क के जीतने के बाद अब होगा बवाल। कहाँ होगा? एरिना में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एरिना में अब होगा बवाल, और यहाँ पर अंजलि और साथ ही साथ शिवम के बीच में एकदम कांटे की टक्कर होगी। कांटे की ऐसी टक्कर, देखते हैं कि कौन जीतता है, शिवम जीते या फिर जीते अंजलि। लेट्स सी। वैसे अंजलि ने कल से ही न्यूज लाइंस को काफी ज्यादा हाईजैक कर रखा है, क्योंकि जहां एक तरफ मुनव्वर को धोखा दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ वो अब खेल में इतना आगे बढ़ गई है, और अगर अंजलि जीत गई सच में उसका धोखा देना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहा उसके लिए, यही कह सकते हैं। धोखा देना क्या, मैं तो गेम खेलना कहूंगा, क्योंकि उसने गेम खेला है पर्टिकुलरली। और वहीं जहां तक बात करें हमारे बूम बाम, मैं चाहता हूं वो भी जीत जाए, क्योंकि वो दिल का अच्छा बंदा है, साफ बंदा है, नेक बंदा है। तो लेट्स सी, लेट्स जस्ट क्रॉस द फिंगर, और अरीना में यानी कि कल के दिन ये बात पता चल जाएगी कि आखिरकार कौन जीता। और कहीं मत जाइए, मेरे पास आओ, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि मेरे गुप्तचर मुझे बोलते हैं ये जरूर इंपॉर्टेंट बात। जी हाँ, और वो भी आप लोगों के लिए। तो मैं जाता हूँ और इसी तरीके की बातें ढूंढ के लाता हूँ, अपने गुप्तचरों के साथ खुशफुसाहट करता हूँ और आप तक ये बातें पहुंचाता हूँ। बाय।